नाम द वर्ल्ड यूनाइटेड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर युगांधर की वीडियो मूविंग फ्रॉम द इनर चैटर टू इनर साइलेंस का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। आंतरिक शोर से आंतरिक मौन की ओर बढ़ना। तो ये आंतरिक शोर किसका है? ये आपके मन का है। आपका मन जो अत्यधिक भ्रांतियों से भरा है, आपका मन जो भ्रम से भरा है, आपका मन जो पक्षपात से भरा है, जब ये मन पूरी तरीके से भरा हुआ होता है तब ये व्यस्त रहता है। और जब ये मन व्यस्त होता है तो इसके बीच, इन विचारों के बीच कहीं कोई स्थान नहीं होता। विचार जो हमारे होते हैं, ये विचार आवर्ती विचार है, ये दोहराने वाले विचार हैं, ये दोहराए जाते हैं। आपके विचार अपरिवर्तनीय विचार हैं और इन बिन बुलाए विचारों के बीच कहीं कोई स्थान नहीं होता। आप स्वयं अपने विचारों के झंझट में फंसे रहते हैं, आप खो जाते हैं। इसलिए कई तरीके के विविध विचार जो शायद आप कल सोच रहे थे, कल से एक दिन पहले सोच रहे थे या आज सुबह सोच रहे थे, ये सब वही पुराने विचार हैं। इनमें कहीं कोई नवीनता नहीं, कोई नवीन विचार नहीं, ये सिर्फ एक विचारों की श्रृंखला है। आप अपने ही विचारों के पिंजरे में बंधे हुए हैं, आप उलझे हुए हैं। यू आर ट्रैप्ड इन योर ओन थॉट्स। और ये एक कारण है कि हमें विचारों के बीच कुछ स्थान बनाने की आवश्यकता है। इसी स्थान को हम साइलेंस या मौन कहते हैं। शुरू में बहुत अधिक मात्रा में स्थान, विचारों के बीच में स्थान या प्रचुर मात्रा में मौन हमें नहीं मिल सकता है, लेकिन जब आप विचारों के बीच के स्थान का महत्व समझ जाते हैं, आप उसका मूल्य जान जाते हैं, आप जान जाते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, जब आप जानते हैं कि आपके अंदर के मौन का क्या महत्व है, तब आप अधिक से, और ये भी जानते हैं कि इसको अधिक से अधिक जगह ये समायोजित करता है, तब आप इसे पाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक ट्रेन अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हो तो क्या आप उसके दो डब्बों के बीच का स्थान देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से चलेगी कि पलक झपकते ही आगे बढ़ जाएगी। और अगर यही ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो तब शायद आप दो डब्बों के बीच का फासला देख पाएं, आप खिड़की के किनारे बैठे लोगों को देख पाएं, शायद आप ये भी देख पाएं कि ये महिला बैठी है या कोई पुरुष। और यही ट्रेन जब स्थिर हो जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए, तब आप शायद खिड़की पर जो बैठा व्यक्ति है उसकी आंखों का रंग भी देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप अपने आप को शांत करें और अपने अंदर के विचारों को अनुभव करने की कोशिश करें, क्योंकि यही विचार जो हमारे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे, अब इन्हें धीरे धीरे शून्य करने की आवश्यकता हमें समझ में आने लगती है। और जब ये विचार शून्य की ओर हमें ले जाने हैं तो ये हम कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आप मकर आसन में अपना समय बिताइए, अपने अंदर के, अपने उदर को संवेदनशील करिए। उदर में अपनी चेतना के केंद्र में अपने दिमाग की दृष्टि को निष्क्रिय रखिए। उदर में अपनी चेतना का जो केंद्र है उसके तहत अपने दिमाग की दृष्टि को निष्क्रिय रखिए। जब ध्यान उधर की ओर अधिक होता है तो मन खाली हो जाता है।
और ये मन, जब ये मन खाली होगा तो आपका मस्तिष्क, आपके विचार और आपका हृदय यानी कि आपकी भावनाएं, इनको हमें हारा में उतारना है, इनको हारा में ले जाइए और तेज़ी से अपने मन को खाली करिए, अपने आप को खाली करिए। आप समझ जाएंगे कि पूर्ण मौन का क्या अर्थ है, पूर्ण मौन का क्या महत्व है। यू विल अंडरस्टैंड द ट्रेजर ऑफ साइलेंस विच इज लाइंग इनसाइड दिस, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड साधना। इसी को हम साधना कहते हैं। अंदर के मौन के खजाने को जब आप समझते हैं, आप उस खजाने की तरफ जब उतरने की कोशिश करते हैं, इसी कोशिश को हम साधना कहते हैं। साधना दो शब्दों से बना है, सत और धन। सत का अर्थ है सत्य और धन यानी आपका खजाना। तो आपका खजाना आपका मौन है, आपका खजाना आपका चेतना के मूल केंद्र है, आपका खजाना आपके उधर में जो चेतना का केंद्र है वही सत्य है, वही एकमात्र सत्य है। अनुभवात्मक जितनी भी आपको समझ है वही आपकी समझ होती है, वही आपकी सच्ची समझ होती है। मस्तिष्क से हारा की ओर बढ़ना ही सत्य है, वही साधना कहलाता है। और ये अनुभव, यही अनुभवात्मक समझ आपकी एकमात्र सच्ची समझ होती है। अनुभवात्मक समझ को ही हम अर्जित ज्ञान भी कहते हैं। आपकी अवधारणाएं, आपके विचार, आपके सिद्धांत, आपके अभिधारणाएं और प्रमेयों के रूप में जो कुछ भी बाहर से आता है वह आपकी मदद नहीं कर सकता। भीतर जाने के लिए खुद के साथ समय बिताना ज़रूरी है, खुद के साथ समय बिताना होगा। शुरू में ये बहुत मुश्किल सा प्रतीत होता है, इतना आसान नहीं होता शुरुआत में आपको अकेले रहना, लेकिन धीरे से आप खुद को पा जाएंगे। और एक इंसान का खुद को पाना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है।